Good morning students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Kindly take out your computer book. Today we are going to start our new lesson, lesson number 2. And the topic is computer and you. Today our objective is we will compare the computer with the human. ठीक है? आज हम computer और human के दरमियान में comparison करेंगे. There are 3 basic functions the computer perform. ठीक है? 3 बेसिक फंक्शंस है ना जो काम 3 ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जो कोई कंप्यूटर परफॉर्म करता है 3 ऐसे बेसिक काम है जो कोई कंप्यूटर करता है कंप्यूटर क्या करता है इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस ठीक है इनपुट लेता है इनपुट क्या है डेटा लेता है ठीक है और डेटा किन की मदद से लेता है विद द हेल्प ऑफ द इनपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल व्हेन वी टाइप समथिंग वी आर प्रोवाइडिंग द डेटा टू द कंप्यूटर ठीक है हम कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं डेटा दे रहे हैं देन द कंप्यूटर process on it ठीक है computer जिसे हम CPU कहते हैं ठीक है the brain of the computer it process on that data ठीक है फिर ये जो CPU है उस data को process करता है and transfer the data into the meaningful information और फिर उस data को transfer कर देता है meaningful information में that is known as the output ठीक है जिसे हम output कहते हैं computer takes input with the help of the input devices computer अपने input कैसे लेते हैं input devices ke zariye we have so many input devices as you can see in this slide we have a keyboard we have a mouse we have a touch screen we have a camera we have a scanner theek hai joystick hai fir uske baad trackball hai microphone hai these are all the devices that are those are used to input the data in the computer theek hai data ko input karne ke liye devices use hote hain keyboard se hum text data type karke computer ke andar input karte hain theek hai hum mouse ke zariye kya karte hain mouse ke zariye hum किसी ऑब्जेक्ट को ट्रिगर करते हैं स्क्रीन के ऊपर ठीक है इसी तरीके से हम टच स्क्रीन के जरिए टच करके डेटा को एंटर करते हैं इनटू द कंप्यूटर ठीक है इसी तरह से हम माइक्रोफोन के जरिए साउंड टाइप के डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं इन ह्यूमंस वी हैव सेंस ऑर्गन्स ठीक है आपको पता है ना ह्यूमंस के पास हमारे पास तो सेंस ऑर्गन्स है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स वी हैव आईज ठीक है आईज क्या करती हैं आईज देखकर डेटा को ब्रेन को सेंड करते हैं ठीक है हम अपनी इन सेंस ऑर्गन्स के जरिए सराउंडिंग से डेटा इकट्ठा करते हैं ठीक है आवर ब्रेन इज अ प्रोसेसर ठीक है जो कि प्रोसेस करता है इन सारे के सारे इनपुट्स को जैसे कि स्मेल करने के लिए हमारे पास नोज है टेस्ट करने के लिए वी हैव अ टंग सुनने के लिए हमारे पास इयर्स हैं ठीक है और हमारी स्किन सेंस कर सकती है ठीक है इसी तरह से ह्यूमंस के पास क्या है सेंस ऑर्गन्स है जो कि क्या करते हैं डेटा इकट्ठा करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स और उस डेटा को उस इनपुट को पास कर देते हैं ब्रेन को देन ब्रेन उसके ऊपर प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट शो करता है ठीक है देयर इज अ कंपैरिजन नाउ प्रोसेसिंग फंक्शन द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सीपीयू इट इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एज वी नो दैट CPU is known as the brain of the computer. CPU को क्या कहते हैं? Brain computer का. Our brain receives data and instructions from the different body parts and process on them and gives instruction to the other parts then. अभी मैंने आपको बताया ना कि input devices के जरिए हम data computer को provide करते हैं, ठीक है? Different types का data होता है ना, यानी textual type का भी होता है, फिर उसके बाद images भी होती हैं, sound type का भी data होता है, ये सारा का सारा जो data है हम computer को different devices के जरिए input करते हैं, ठीक है? और humans अपनी input कैसे receive करते हैं? From the surrounding by the sense organs. Then brain, humans के अंदर brain होता है, जो कि इन तमाम के तमाम instructions को, तमाम के तमाम data को, जो कि surrounding से आ रहा है, उनको process करता है, और इसी तरह से computer के पास brain है, computer का brain को क्या कहते हैं? CPU, ठीक है? As you know that CPU is known as the brain of the computer. ये तमाम की तमाम instructions जो हम computer को pass करते हैं, जो हम input देते हैं, उनको process करता है, ठीक है? और उनको transfer करता है into the meaningful information. Output function. In computer, an output device is a device that is used to give the results of the processed data. ठीक है? Computers के अंदर output devices कौन सी devices होती हैं? वो devices जो कि processed data को show करती हैं. यानी कि जो data जिसके ऊपर CPU ने काम किया है, उसको show करवाने के लिए हम कौन सी devices use करते हैं? Output devices. For example, we have a monitor, we have a printer, we have a speaker, we have a handset, projector, plotter. These are some output devices. ठीक है? अब कोई डेटा जो है उसे हमने शो करवाना है तो हम उसे किस पर शो करवाएंगे
मॉनिटर पर हम उसे देखेंगे ना। इसी तरीके से अगर हमने उसी डेटा को प्रिंट आउट के फॉर्म में लेना है, पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना है, तो हम उसके लिए प्रिंटर यूज़ करेंगे। अगर साउंड टाइप का डेटा है तो उसको हम कहाँ सुन सकते हैं, हम उसको स्पीकर्स की मदद से सुन सकते हैं ना। सो आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू शो द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस डेटा। इन आवर बॉडी वी हैव सो मैनी ऑर्गन्स दैट गिव आउटपुट फंक्शंस लाइक लेग्स आर्म्स। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो कि आउटपुट फंक्शन देते हैं लाइक आर लेग्स आर्म। ठीक है, हम अगर कुछ सोचते हैं कि हमने कोई चीज़ को उठाना है, ठीक है, हमारे ब्रेन ने उसके ऊपर प्रोसेस किया, उसने ऑर्डर्स पास किए, इंस्ट्रक्शंस दी हमारे हैंड को कि मूव करे और ग्रैब करे उस चीज़ को। ठीक है, सो वी हैव सो मैनी ऑर्गन्स दैट प्रोवाइड अस द आउटपुट फंक्शन एज लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर परफॉर्म इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट फंक्शंस सिमिलर टू आर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अ मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन व्हाइल वी गिव आउटपुट बाय स्पीकिंग विद द माउथ। ठीक है, कंप्यूटर भी वही काम कर रहा है जो हमारी बॉडी करती है। ठीक है, इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, आउटपुट में उसे ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह से हमारी बॉडी क्या करती है, सराउंडिंग से डेटा इकट्ठा करती है, उसके बाद हमारा ब्रेन उनके ऊपर प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, समटाइम्स हम आउटपुट देते हैं स्पीक करके, बोलकर। यू कैन सी द इन दिस स्लाइड देयर आर सिमिलैरिटीज। ठीक है, कंप्यूटर इनपुट किया हमने इनपुट डिवाइस के जरिए, सीपीयू ने उनके ऊपर प्रोसेस किया और आउटपुट जनरेट हो गई आपके मॉनिटर के ऊपर या प्रिंटर के ऊपर। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, 2+3। हमने इस कीबोर्ड के जरिए एंटर किया 2, देन प्लस, देन 3। उस आउट इस इनपुट के ऊपर प्रोसेस किया हमारे सीपीयू ने और आउटपुट रिजल्ट जनरेट किया 5। 2+3 5 होता है ना, और उस 5 को कहाँ शो कर रहे हैं, मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, हमारा ब्रेन इसके लिए कैसे काम करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल के बताया 2+3 हमारे कानों ने सुना, या अगर आप देख रहे हैं तो 2+3 आपकी आईज ने देखा, हमारे ब्रेन ने इसके ऊपर प्रोसेस किया और उसको हमने अपने हैंड से लिख दिया। अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो ब्रेन ने इंस्ट्रक्शंस पास की हैंड को और उसने लिखा 2+3 5। या आपने अगर बोल के बताना है तो आप अपने माउथ के ज़रिए बोल कर बताएंगे 5। ठीक है, तो ये हमारी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच में। कंप्यूटर हैव सम सिमिलैरिटीज़ विद अस बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंसेस। कंप्यूटर के साथ ह्यूमंस की बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन स्टिल कुछ डिफरेंसेस भी हैं, इनके कुछ इख्तलाफात भी हैं। ठीक है, कुछ चेंज तब डिफरेंस हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर और ह्यूमन में। डिफरेंसेस क्या हैं ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान, वी वर्क एट ए स्लो स्पीड, ह्यूमंस स्लो स्पीड में काम करते हैं व्हाइल अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। ठीक है, कंप्यूटर तो बहुत स्पीड में काम करता है, कंप्यूटर बहुत ही स्पीडीली फास्टली काम करता है। यू गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। ठीक है, हम थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। ठीक है, कंप्यूटर जबकि थकते नहीं हैं। यू कैन मेक मिस्टेक्स, हम गलतियाँ कर सकते हैं, एज ए ह्यूमन वी कैन मेक मिस्टेक्स बट अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स। लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं कर सकता बिकॉज इट्स ए मशीन ना। ठीक है, ये मिस्टेक्स नहीं कर सकता, हमारी इंटेलिजेंस होती है, वी हैव इंटेलिजेंस। ठीक है, हम खुद से डिसीजन ले सकते हैं व्हाइल कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन बाय इट्स ओन। कंप्यूटर की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। ठीक है, ये खुद से डिसीजंस नहीं ले सकते। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर एंड नाउ वी विल डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन नंबर 2। यू हैव टू बी डन दिस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑन द बुकलेट। ठीक है, आपने ये बुकलेट पे करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी रिटन इन द बुकलेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू मॉनिटर एंड प्रिंटर गिव आउटपुट। मॉनिटर और प्रिंटर कैसे आउटपुट देते हैं। मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन एंड प्रिंटर प्रिंट्स द आउटपुट ऑन पेपर। मॉनिटर का पता है ना, मॉनिटर कहाँ डिस्प्ले करता है रिजल्ट, स्क्रीन के ऊपर, और प्रिंटर कहाँ प्रिंट करता है रिजल्ट, पेपर के ऊपर, आउटपुट देता है पेपर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डज माउथ गिव आउटपुट। माउथ हमें आउटपुट कैसे देता है। योर माउथ द एंड द आंसर इज योर माउथ गिव्स आउटपुट बाय स्पीकिंग। हम कैसे लेते हैं आउटपुट, बाय स्पीकिंग, यानी कि बोलकर हमारा जो माउथ है वो हमें आउटपुट देता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम 3 बेसिक फंक्शंस विच आर कॉमन बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। आपने कोई 3 बेसिक फंक्शंस बताने हैं ऐसे जो कि इंसानों में और कंप्यूटर में कॉमन है। ठीक है, अभी हमने बात की ना हम फंक्शंस के बारे में, दैट ह्यूमंस आल्सो टेक इनपुट देन
the brain process on the input and our mouth gives the output, okay, as like computer. So these are the basic three functions. Computer and human takes input, then process on that input and gives us the output. The question number four is, how can you say that your eyes work like input devices? ठीक है, हम कैसे कहेंगे कि हमारी जो आईज़ हैं वो वर्क करती हैं एज लाइक द इनपुट डिवाइसेस, हमारी आंखें जो हैं इनपुट डिवाइसेस के तौर पे काम करती हैं. एंड द आंसर इज आर आईज़ प्रोवाइड इनपुट बाय सीइंग. ठीक है, हमारी आंखें इनपुट कैसे देती हैं, देखकर. व्हाट इज सीन बाय आर आईज़ इज कन्वेड टू आर ब्रेन एज एन इनपुट. हमारी आंखें जो देखती हैं वो सारा का सारा कन्वे कर देती हैं, पहुँचा देती हैं ब्रेन को. ठीक है, जितना भी कुछ हमारी आईज देखती हैं उसे कन्वे कर देती हैं, उसे पहुंचा देती हैं, उसे ट्रांसफ़र कर देती हैं टू आर ब्रेन एज एन इनपुट, इनपुट के तौर पे. ठीक है, और फिर हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि उसने क्या देखा है, हमारी आईज ने क्या देखा है, उस इनपुट के ऊपर क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं फिर ब्रेन की तरफ से, फिर वो ब्रेन डिसाइड करता है. ठीक है, सो बेटा दीज आर दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये आपने बुकलेट पर करने हैं. अगेन अगर कोई प्रॉब्लम है इन दिस लेक्चर इन द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, बेटा प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस. एंड द टास्क ऑफ द डे इज यू हैव टू नोट डाउन द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्न देम. आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अपने बुकलेट पर करने हैं और याद भी करने हैं. फ्राइडे को मैं इनका टेस्ट लूँगी आप लोगों से. ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.